नमस्कार, मैं हूं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं वीडियो 24 न्यूज़। खबर है कांकेर जिला के जनकपुर वार्ड से, जहां हजारों लीटर पानी रोज बर्बाद हो रहा है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। भीषण गर्मी में जिला मुख्यालय में आने वाले कई वार्ड पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जनकपुर वार्ड आता है, जहाँ कई सालों से सिर्फ गर्मी के मौसम ही नहीं पूरे साल भर पानी की समस्या बनी रहती है। जनकपुर वार्ड में ही पानी की सप्लाई के लिए दो बड़े टंकी बनाए गए हैं, जिसमें पाइपलाइन के माध्यम से पानी भरा जाता है व पानी सप्लाई किया जाता है। उसी वार्ड में पिछले चार दिनों से पाइपलाइन टूट जाने के बाद से लगातार हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है, जबकि इसकी शिकायत कई बार वार्ड के द्वारा नगर पालिका को भी की गई है, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई जिम्मेदार अधिकारी सुध लेने नहीं आया है, न ही सुधार किया गया है, जिसके कारण रोज हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है। जब मीडिया ने जिम्मेदार पालिका के CMO को फोन लगाकर सवाल पूछा तो उन्होंने फोन ही बंद कर दिया, जबकि पाइपलाइन जहां लीकेज है वहां से मात्र 100 मीटर पर ही पालिका के अधिकारी का निवास है। इसी समस्या को लेकर जब कलेक्टर को अवगत कराया गया तो उन्होंने जल्द ही समस्या को सुलझाने की बात कही है। ये हमारे जनकपुर के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि विगत 8 साल से हम लोग दो गुंडी और दो बाल्टी में अपना जीवन जी रहे हैं, और ये जो पानी है, इस पानी की दूरी और CMO क्वार्टर दूरी मुश्किल से 50 कदम होगा। कब से बह रहा है पानी ये? 4 दिन हो गया। 4 दिन से बाकायदा मैंने खबर की है, सोशल मीडिया में डाला है कि ये सर यहाँ पानी बह रहा है, लोगों को पता है। उसके बाद भी बेशकीमती पानी, सेव वाटर हम कहते हैं, नारा देते हैं, लेकिन यहाँ तो वेस्ट वाटर है। और इस पानी हम लोग निरंतर टैंकर से पानी भरते हैं, पूरे मोहल्लेवासी भर रहे हैं, और पानी को लेकर मन अभी भी त्राही त्राही माम जनकपुर में, अघन नगर में जो पानी के लिए मचा हुआ है, ये देखने से पता चलता है कि नगर पालिका के अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं, इससे देख के पता चलता है। और एक मीडिया कर्मी ने फ़ोन किया तो CMO ने कहा कि मैं अभी आया हूँ, थोड़ा आराम कर रहा हूँ। ये मतलब मैंने कहा था कि उनका ये बोलना बहुत लाजिम है, उनको होता है कि मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, बस देखता हूँ, ये उनका होना था। जिम्मेदार व्यक्ति हूँ मोहल्ले का, तो मैं कहता हूँ कि कम से कम जो लोगों के लिए, जो पानी के लिए जो तराही मची है, एक एक गुंडी दो दो बाल्टी लोग टैंकर से पानी भर रहे हैं, और ये जो पानी वेस्ट हो रहा है, अगर यही पानी टंकी में चल दे तो कम से कम लोगों को दो बाल्टी 4 गुंडी के अलावा कम से कम 10 बाल्टी तो मिलेगा पानी, कम से कम वो अपना निस्तारी कर सकता है। और कम से कम हम तो 8-9 साल से देख रहे हैं जो पानी 2 टाइम आता था वो एक। देखिए, जनकपुर वार्ड में जो पानी का समस्या है उसका निराकरण किया जा चुका है, वहाँ पे जो दुधावा से पाइपलाइन आया उसकी टेस्टिंग की जा चुकी है, और सभी को बताया भी गया है कि आप लोग अब नए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वहाँ से कनेक्शन ले लीजिए, वहाँ से पानी का सप्लाई हो जाएगा। तो अब जो है, चाहे वो जनकपुर वार्ड हो, बस स्टैंड का एरिया हो, ये सभी जगह पे समस्या तो है नहीं। अब जितना जल्दी से आम लोग कनेक्शन लेंगे उनको सुचारू रूप से पानी जो है वो प्राप्त होता रहेगा। कहीं कहीं टेस्टिंग होने के कारण इस तरह का संभावना है कि कहीं पे हाई प्रेशर से पाइप फटा होगा, तो उसको जांच का विषय है, उसको देखा जाएगा। Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।